दोस्तों आज हम बात करने उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एलटी और यहाँ पर प्रवक्ता तीनों भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। लगभग जो है शिक्षा विभाग में 6,000 पद यहाँ पर रिक्त बताए गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो है आपकी भर्ती होनी है और कहाँ पर जो है कितनी भर्ती आपकी होगी। प्राइमरी में जो है लगभग जो है 2,000 के पद यहाँ पर नए पद आपके आने वाले हैं। साथ में अब आपके एलटी और प्रवक्ता यहाँ पर भी हम जानेंगे कितने कितने पद आपके यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं पूरी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले प्रेस करना होना, इससे अपडेट मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री लगातार जो है शिक्षकों के साथ और जो यहाँ पर शिक्षा अधिकारी हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है बैठक कर रहे हैं, और इन पर जो है यहाँ पर रिक्त पड़े जितने भी खाली पद हैं उनका अध्याचन और उनका जो ब्यौरा है उसको यहाँ पर मांगा गया है, और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर भर्ती करने के यहाँ पर आदेश जारी करे हैं। लगभग जो है यहाँ पर विज्ञापन होने में तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आपके एक बार अध्याचन यहाँ पर प्राप्त हो गए तो विज्ञापन आना जो है आपका निश्चित रहेगा। तो उन्हीं अध्याचन को मांगने को लेकर जो है अभी विभागों में जो है यहाँ पर मांगे गए हैं, मतलब कितने कितने रिक्त पोस्ट हैं, कैसा ब्यौरा है, क्योंकि अध्याचन आने में थोड़ा आपका टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक महीने में आपको अध्याचन मिल जाएंगे, ये मैंने आपको पहले बताया था, कल वीडियो में बताया था। लगभग जो है आपको लगभग जो है टाइम लग ही जाता है इन पदों में, कब तक आएगा क्या आएगा अभी फिलहाल इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कितने कितने पद आपके आ सकते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लगभग जो है 6,000 पद, ये अप्रोक्सीमेट है। जब डाटा निकलेगा आपका ऑफिशियली तब उस पता चलेगा कितना है। लगभग जो विभाग की तरफ जो यहाँ पर मोटा मोटा जो शिक्षा मंत्री को डाटा मिला होगा, विभाग की तरफ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना ये होगा, लगभग जो है शिक्षा विभाग में 6,000 के पद यहाँ पर जो है अभी रिक्त हैं। उनमें से यहाँ पर जो है जो प्रधानाध्यापक हैं 228 के करीबन हैं, और प्रधानाचार्य के भी यहाँ पर 724 पद हैं, इनकी भर्ती होनी है। साथ में यहाँ पर जो है एक साल के अंदर जो है आपके लगभग जो है सभी रिक्त पद ये भर जाएंगे यहाँ पर, ये भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर ये भी कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में जो है स्थिति संवारने को लेकर जो है जल्द अभियान जो है छेड़ने की जो है तैयारी है, और विद्यालयों में जो है भौतिक संसाधनों की जो है कमी को दूर करने के साथ साथ यहाँ पर जो है शिक्षकों के पद भी यहाँ पर जो है चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि भौतिक संसाधन तो तब लाएंगे जब यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पर जो है शिक्षकों को तैनात करेंगे शिक्षा विभाग के यहाँ पर जो है मंत्री, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ संसाधन देने से नहीं होते हैं, वहाँ पर जो है शिक्षक देना भी जरूरी है एक शिक्षा मंत्री को। तो संसाधन तब देंगे जब शिक्षक होंगे वहाँ पर स्कूल में, कई जगह जो है संसाधन के अभाव तो होता है लेकिन यहाँ पर शिक्षक भी नहीं होते हैं, तो वहाँ अब जो है जहाँ अभाव संसाधनों की वहाँ शिक्षक भी देने को तैयार हैं। और इसमें यहाँ पर प्राथमिक लेवल के सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें, हमें सबसे ज़्यादा लगभग जो है 2,000 के करीबन जो है, ये अभी तक का डाटा नहीं था लेकिन मोटा मोटा डाटा दे रखा है इन्होंने जो न्यूज़पेपर में छापा गया है, लगभग जो है यहाँ पर 2,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बताया गया है। एक्चुअल में इसकी जो डाटा है ना, क्योंकि लगभग इस साल 1,000 के करीबन जो है पोस्ट रिक्त तो हो रखे हैं, और उनमें से कुछ एलटी के हैं, कुछ प्रवक्ता के भी हैं, और लगभग यहाँ पर डाटा बताया गया कि लगभग 2,000 पद जो है प्राइमरी के इतने पोस्ट अभी वर्तमान समय में रिक्त हैं। और वहीं यहाँ पर जो माध्यमिक स्तर है एलटी और प्रवक्ता में, यहाँ पर 4,000 के करीबन जो पोस्ट हैं, और इसका मैं डाटा आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये मुझे पता है। और इसमें जो है लगभग जो है आपके एलटी में तो कम पोस्ट अभी वर्तमान समय में पोस्ट कम है, लगभग जो 1,500 या 1,800 के करीबन इनके बीच में ही है। और वहीं प्रवक्ता में सबसे ज़्यादा लगभग आपके 3,000 या 3,200 के करीबन जो है पोस्ट खाली हैं, उन पर जो है प्रमोशन होने हैं लेक्चर पे, क्योंकि पता है लगभग आपको 2,200 के करीबन जो है लेक्चर पे प्रमोशन होने हैं, वो पेंडिंग में चला हुआ है। उससे यहाँ पर जो है एलटी वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा अगर प्रमोशन होता है तो, क्योंकि एलटी में कम से कम 3,000 के से ज़्यादा जो है आपके पोस्ट खाली हो जाएंगे उसके बाद से लगभग, ठीक है। अभी वर्तमान समय में काफ़ी मतलब काफ़ी कम कम है ही, मतलब कम है लेकिन हैं, अगर प्रमोशन होता है तो आपके लगभग डेफिनेटली लगभग 3,000 के करीबन भर्ती आएगी इस साल, अगर प्रमोशन जल्दी होता है तो, ठीक है। प्रमोशन पर डिपेंड करता है, नहीं तो अगर पता चला यहाँ प्रमोशन बाद में हो रहा है और अध्याचन पहले निकाल दिया तो पहले निकालने का ये वैने यहाँ पर घाटा होगा, क्यों, क्योंकि कम भर्ती आएगी लगभग जो है आपके 1,100 के कम से कम, लगभग जो है 1,500 या 1,600 के करीबन पोस्ट खाली हैं, लेकिन कम भर्ती आएगी लगभग 1,100-1,200, इतने ही पोस्ट आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे आपको। अब डिपेंड करता है कि विभाग वाले करते क्या हैं क्या नहीं करते, वो अलग बात है। और यहाँ पर कहा गया है कि लगभग जो है यहाँ पर ये भी कहा है 31 मार्च को यहाँ पर बीते सत्र में समाप्ति तक जो है सेवानिवृत्ति के चलते शिक्षकों के पद जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर संख्या में रिक्त पद हो चुके हैं, उनकी बढ़ोतरी यहाँ पर हो कर दी गई है, मतलब पद खाली हो चुके हैं, और शिक्षा की जो है गुणवत्ता के लिए जो है शिक्षकों की कमी दूर होना आवश्यक है। तो यहाँ पर शिक्षकों की कमी जो है उसको दूर तभी करा जा सकता है यहाँ पर जब इसके लिए शिक्षक भर्ती होगी। तो शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कहा कि धन सिंह रावत ने इसमें जो है शिक्षकों के रिक्त पद को भरने को लेकर यहाँ पर प्रक्रिया और पदोन्नत को जो है यहाँ पर समयबद्ध किया जा रहा है, बल्कि प्रमोशन को लेकर भी इन्होंने जो एक डाटा पूरा तैयार कर लिया है, और एक साल के भीतर जो है यह प्रक्रिया
पूरी कर दिया गया, पर आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है लगभग 1 साल के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि अध्याचन यहाँ पर 3 महीना, 3 महीना आपका अध्याचन लग सकता है अप्रोक्सीमेट। अगर विभाग काम थोड़ा ठीक ठाक करता है तो जल्दी भी यहाँ से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम यहाँ पर जो है लगभग जो इतना महीना आपका लग सकता है अध्याचन में, क्योंकि अभी अध्याचन में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले रिक्तियों का ब्यौरा लाओ इधर उधर से, फिर उसको कैटेगरी वाइज करना, मतलब कि होता ही ये काम, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में कंप्लीट कर देगा, क्योंकि अदर काम भी रहते हैं, क्योंकि विभाग में कैटेगरी वाइज भी होता है, क्योंकि एलटी का अलग है, प्रवक्ता का अलग है, सब का डाटा अलग अलग इकट्ठा करना पड़ता है, और जो जो यहाँ पर अधिकारी के तौर पर पोस्ट निकलती हैं उसको अलग है, तो उनकी प्रक्रिया भी चली हुई है। अभी जैसे आप लोग देखते हैं जो SC CRC के यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो भी आई हुई हैं, तो साथ में यहाँ पर जो है इनकी पदों का जो है अध्याचन है वो भी यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर कब तक जाएगा वो अभी कह नहीं सकते, लगभग जो है इतना टाइम लग सकता है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी ये भी कहा गया है कि जो माध्यमिक स्तर है 30 विद्यार्थियों पर जो है एक शिक्षक की तैनाती के फॉर्म पर अमल में यहाँ पर ये भी किया जा रहा है, ये भी हो सकता है प्राइमरी में जो है एक जो है 15 बच्चों पर एक शिक्षक, तो इस तरह का फॉर्मूला है, ये भी अभी प्रक्रिया में लाया जाएगा, इसको लेकर अभी सुझाव चले हुए हैं, ये भी कहा गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो जल्द हो सकता है कि आपकी भर्ती इसी साल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, और साथ में जब जिस हिसाब से अभी काम हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है इसी साल भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है।